हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं क्रिकेट इज माय रिलीजन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज बीसीसीआई ने आईपीएल के बारे में कई बड़े फैसले सुनाए हैं और इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं फैसलों के बारे में बताऊंगा। आईपीएल 2018 की डेट सब फाइनल हो गई हैं। आईपीएल 7 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच में खेला जाएगा। इसका पहला और आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी भी 6 अप्रैल को मुंबई में ही होगी। आप सबको पता ही होगा कि आईपीएल के मीडिया राइट्स अब स्टार स्पोर्ट्स ने खरीद लिए हैं और अब आईपीएल के सारे मैचेस स्टार स्पोर्ट्स पर ही आएंगे। स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई से आईपीएल के टाइमिंग के बारे में रिक्वेस्ट की थी और अब ये रिक्वेस्ट मान ली गई है और अब आईपीएल के दोपहर वाले मैचेस 4 बजे की बजाय 5:30 बजे शुरू होंगे और रात वाले मैचेस 8 बजे की बजाय 7 बजे शुरू होंगे। अब जाहिर सी बात है कि वीकेंड्स पर 2 मैचेस होने की वजह से मैचेस ओवरलैप होंगे, इसलिए अब स्टार स्पोर्ट्स वाले 3-4 चैनल्स पर आईपीएल दिखाएंगे। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब के होम ग्राउंड को लेकर भी फैसला ले लिया गया है और पंजाब अपने 4 मैचेस मोहाली में खेलेगी और 3 मैचेस इंदौर में खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड को लेकर अभी तक तो कोई फैसला नहीं आया है, पर लगभग तय ही है कि 24 जनवरी को इसके ऊपर भी कोर्ट फैसला सुना ही देगी। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल से जुड़ी हुई न्यूज़। अगर आप और भी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।